हेरे समय करा दे नर के करे ले रहियो तो समय आवड़ी जानी बहुत अच्छे हेरे समय पे प्यारा थोड़ा धर जा समय बदल जा शौबीर जी परम आदरणीय शौबीर जी अहमदनगर से वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं आइए ब्राह्मण ने हेरे एक
ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं करे थे। लड़का राजा रानी तीनों घर ते बाहर करे थे। राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर धरे थे। राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे। समय के कारण महावीर प्रधान जी दिल्ली जल बोर्ड फूलपुर से, परम आदरणीय महावीर प्रधान जी फूलपुर से, वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए तीसरी बात में जिक्र किया राजा नल और दमयंती का कि राजा नल को रानी दमयंती के साथ जंगलों के बीच जाना पड़ा मेहरबाना, और कैसे कैसे धक्के खाए राजा नल और रानी दमयंती के बारे में बताया। तीसरी बात में दादा लक्ष्मी चंद ने क्या दर्शाया। हो समय का चक्कर चढ़िया शीश पे, समय का चक्कर चढ़िया शीश पे, पुष्कर ते खेलिया था। राजपाट सब खोस लिया उसके पास नहीं देना था। मित्र प्यारे बोल मारते कष्ट काट देना था। चार प्राणी थे तीन जगह पे परम आदरणीय सुरेश चंद शर्मा जी, परम आदरणीय सुरेश चंद शर्मा जी सांसद प्रतिनिधि विधानसभा सिकंदराबाद से, वो भी इस रागनी पे खुश होकर के 200 रुपए का इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए चौथी बात में दादा लक्ष्मी चंद ने पूरी रागनी का तोड़ किया, सुनने वाली बात लिखी, एक एक बात सुनने वाली बताई कि आदमी को कैसे कैसे अपना समय बिताना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब किस आदमी को राजा बना दे और कब किस आदमी को कंगाल बना दे, ये सिर्फ समय की बात होती है। मेहरबानो सुनिएगा चौथी बात में क्या लिखा। समय के कारण गुरु मान सिंह, समय के कारण गुरु मान सिंह बड़े बड़े राजा गिर गए। समय के कारण हीर और रांझा परली पार उतर गए। समय के कारण मोर दजरा, समय के कारण मोर दज बेटे पे आरा धर गए। उस बेटे का है ना, उस बेटे का शरीर फाड़ के वो